हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स की। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनचार्ज स्फेरिकल शेल। ये जो है, दिस इज अ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और इस थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं? बेसिकली हम देखते हैं कि अगर अपने पास यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ये एक शेल है। शेल आप देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब मुझे करना क्या है, यहां पर जो पॉइंट पी है, जो कि इनसाइड द शेल है, तो पॉइंट पी इनसाइड द शेल है, तो इनसाइड द शेल अपन ने क्या बना दिया है, इनसाइड द शेल पॉइंट पी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इनसाइड द शेल अपन ने गॉसियन सरफेस बनाया है। अब इनसाइड द शेल अगर अपने पास एक गॉसियन सरफेस है, तो मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालनी है। मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालनी है। तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने पास ये पता है कि मेरे को अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, तो गॉसियन सरफेस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस अगर अपने को निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला है, फाइव इज इक्वल टू ई एस कॉस। यहां पर मेरे को मालूम है ई भी जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट है। और अगर सरफेस एरिया भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे ई देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर आप सरफेस एरिया भी देखो, तो सरफेस एरिया भी सर्कल के एकदम आउटवर्ड्स ही जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट फोर पाई आर स्क्वायर। कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन। और एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर, लेकिन कौन सा स्पीयर हम ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का स्पीयर। तो ये हो गया ई डॉट फोर पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर मेरे को ये पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाइव इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अभी यहां पर अगर आप देखोगे, तो क्या इसमें, इस शेल के अंदर कोई चार्जेस है फ्लक्स के लिए? कोई चार्जेस है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया, फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, इक्वेट वन एंड टू, ई फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ई डॉट फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फोर पाई आर स्क्वायर इधर चला गया, तो ई कितना आ गया, जीरो। तो ये जो ई का वैल्यू आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, वेर यू कैन सी ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर, वेर आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ द शेल, मतलब अगर ये अंदर है शेल के, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल विल कम आउट टू बी जीरो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो अभी स्टूडेंट्स, अपन ने ऑलरेडी फॉर अ पॉइंट इनसाइड द शेल देख लिया, जब आर अंदर होगा, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल विल कम आउट टू बी जीरो। अगर अपन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल निकालते, आउटसाइड द शेल के लिए अगर आप देखा जाए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर। तो अगर पॉइंट आउटसाइड द शेल है, तो मेरे को पता है बेसिकली होगा क्या, कि एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल वेर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो ये एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगेगा ये शेल, क्योंकि दूर से अगर आप देखोगे, तो ये स्पेरिकल शेल एक पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा अगर पॉइंट यहाँ पे है, तो एक रेगुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला आता था वही लगेगा। और क्या फॉर्मूला था वो, ई इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. This is the formula for electric field at a point due to a positive charge. तो ये positive charge जैसा ही behave करेगा अगर point काफी दूर है इससे। तो
अगर पॉइंट उस शेल पर ही है तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2। तो ये तीन फॉर्मूला है, पहला फॉर अ पॉइंट इनसाइड द शेल, नेक्स्ट फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, और ये एट अ पॉइंट ऑन द शेल।